ये हमारे पहाड़ के लोग हैं, देखो कैसे उठक बैठक कर रहे हैं, लगता है ये फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। और ये भाई साहब इनको ट्रेनिंग दे रहे भाई साहब इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, खड़े हैं। अच्छा ये ट्रेनिंग हो रही है समय इनकी। अच्छा सवास ये देखो स्टॉप 54 हो गया। चलो ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो बच्चों, क्या बनना चाहते हो आप? ये पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा जी, फरवरी में पुलिस, और अभी फरवरी में इनकी भर्ती है पुलिस की। अच्छा जी, इसीलिए इनको सुबह शाम रोज ट्रेनिंग देता हूँ मैं। अच्छा मतलब सुबह शाम दोनों टाइम, मतलब दोनों टाइम ट्रेनिंग देता हूँ इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, डेली दौड़ते हैं, अप डाउन करते हैं। अच्छा 10 किलोमीटर दौड़ते हैं डेली। डेली दौड़ते हैं, डेली दौड़ते हैं। चलो ठीक, आप बच्चे क्या बनने चाहते हो? अभी पुलिस की भर्ती आ रही है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। ये हमारे पहाड़ के लोग कितने मेहनती आदमी होते हैं, मेहनत कर रहे हैं। सही है, सही करते रहो करते रहो। देखो जी, हेलो, आप हमारे यहाँ पर रोटी बनने की तैयारी हो रही है, आटा गूंदा जा रहा है और ये अपना इस समय गेटी जलाई जा रही है, और एक चूल्हा उधर तैयार हो रखा, एक चूल्हा उधर तैयार हो रखा, और ये एक चूल्हा इधर। ऐसा ये गांव में बकरियां हैं, इसको वैसे ये वो सफ़ेद सफ़ेद जो कलर के हैं ये बकरियाँ हैं, और ये भेड़ गाँव में इनको डिबरू बोलते हैं, डिबरू। अरे देखो भ्या आवाज़ कर रहा है, भ्या की आवाज़ इससे पहचान है कि डिबरू है। और ये बकरी है अभी, ये शायद ये भी बोलेगी कुछ पर बोल नहीं रही इसमें। ये इनके मालकिन है, तो कढ़ाई और लेके जा रहे हैं, और वो लेके जा रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या बना रखा है। समय इनका ये घर है, बहुत बड़ा घर है इनका, ये है समय इनका घर, और ये इनका हॉल है, ये अंदर बहुत बड़ा हॉल बना रखा है इन्होंने। और एक बार इनको पूछते हैं कि इन्होंने बनाया क्या, एक बार इनके बारे में हम पूछना चाहते हैं, क्या आपने क्या बना रखा है? मोला की खिचड़ी। अच्छा ये उन्होंने अपने चूल्हे में बनाया होगा, सिवा उसमें गैस में रख दिया इन्होंने। हम मोला की खिचड़ी एक बार दिखा सकते हो? हाँ। एक बार दिखाना, अच्छा एक बार हिला के दिखाना। ये पहाड़ी मोला की खिचड़ी बोलते हैं। अच्छा जी बहुत अच्छा है, इसे वैसे कैसे क्या क्या डालते हैं इसमें? पीस के। अच्छा और ये सिलोट में पीसा। अच्छा ये सिलपट्टा बोलते हैं वैसे, बाहर सिलपट्टा होता है गांव में, इसको सिलोटू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, और इसको क्या बोलते हैं गागरी होते हैं वैसे पहाड़ी, इसमें से गगरेट बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, अच्छा जी ये इनका किचन हो गया, और इसके साथ इन्होंने चावल बना रखा है, इसमें चावल है और ये चावल है, तो बहुत कम बना रखे हैं। कितने आदमियों का खाना बना रखा है आपने? दो आदमी का उन्होंने खाना बना रखा है। अच्छा जी ये इनका किचन हो गया, ये इनका अंदर वाला किचन हो गया, बाहर वाला किचन इनका बाहर की तरफ है ये।
ये इनका घर हो गया, ये इनके कमरे हो गए, एक कमरा इधर। देखो गांव में कितने बड़े बड़े कमरे होते हैं बाप रे। और हमारे ये शहरों में जाओ, दिल्ली शहरों में जाओ तो देखो इसी के कितने बड़े बड़े कमरे, वाह कितने बड़े बड़े कमरे होते हैं, क्या खूबसूरत कमरे हैं इनके। देखो वाशबेसिन लगा हुआ, गाँव में पहाड़ों में भी वाशबेसिन सब चीज़ लग गया। और ये इनका घर दिखाते हैं हम इनका, ये देखो कितना बड़ा कमरा है, ये सबसे बड़ा कमरा, ये हॉल बोलते हैं जिसे। ये इनका इनका बारह चूल्हा, और चूल्हे के अंदर ये डिवरी का बच्चा, अरे भेड़ का बच्चा, ये क्या खा रहा है, ये खाता हुआ चूल्हे पे घुसा। और ये इनके बकरी, और ये आगे की खूबसूरत नज़ारा, गांव का धूप खिली हुई है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है इस समय। अब ये कहाँ इनको भेड़ों को लेकर जा रहे होंगे, आप चुगाने के लिए जा रहे हैं जंगल में। देखो गांव कितना नज़ारा है, ये उधर चेली सहन है, उधर चेली सहन, ऊपर कंडखनी है, कंडखनी के नीचे गांव पड़ता है खेड़ा, खेड़ा गांव है ये। सामने पक्षी गांव है, ये क्या है, सुंगरा हाँ गांव। अच्छा जी ये गाँव, और ऊपर ये मंदिर है, ऊपर खेड़ा गांव का ट्रांसफार्म। अब ऊपर का सीन आपको दिखाते हैं, ये ऊपर का सीन, ये गांव, गांव ऊपर वाला गांव है ये। अच्छा ये इनका घर पूरा, क्या खूबसूरत घर है ये बना, थजड़ी बना रखा है हमारा। ये समय हम खेड़ा गांव से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, आपको ले चले हम कनेखंड खालो देवी खेत की तरफ, आपको कनेखंड खालो देवी खेत की आपको हम सीन दिखाएंगे पहाड़ों का। और आगे हम ये देखो देखिए कितनी चौड़ी रोड हो रखी है, मेरी गवर्नमेंट सरकार से यही अपील है कि सब जगह गांव में रोड गए, एक हमारी देवरी गांव की रोड नहीं गई, हमारी देवरी गांव में अभी तक रोड नहीं गई। चेली सेन के नीचे पड़ता है 3 किलोमीटर, काफ़ी सालों से हमारी सरकार से यही गुजारिश थी कि हमारे गांव में रोड जाए, सारे गांव तक रोड पहुंच गई, हमारे गांव में अभी तक रोड नहीं गई। देखो ये खेड़ा गांव है, कंडखनी के नीचे जा रहा खेड़ा गांव, कितनी चौड़ी रोड, कितनी अच्छी रोड बनी पड़ी है, चौड़ी रोड बनी है। और